हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि सी यू यू टी पी जी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, स्पेशली एम ए पोलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से। तो आप लोग कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो, कुछ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को हमने यहाँ पर ऐड किया। हालांकि काफ़ी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जिसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो सी यू यू टी वाले फॉर्म में। बट मैं आपको हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आप जो है टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट करके चलिए, आप अपना जो स्कोर है उसको हाई लेके चलिए, ताकि जो नीचे की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें आपको इजीली एडमिशन मिल जाए। तो आपका पहला जो टारगेट होना चाहिए, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, ठीक है, आप जहाँ से हो, जिस एरिया से हो, आपको उस एरिया से उठ के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो टारगेट पहले से आप अपना जो है थोड़ा हाई रखिए, ताकि आपको आराम से अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। आज का ये वीडियो साथ साथ उन कैंडिडेट के लिए भी है जो अक्सर मैसेज करते हैं लेकिन फिर जो है चीज़ों को फॉलो नहीं करते। जब हमने आपको बोल दिया कि आपको इस तरीके से जो है वो पढ़ाई करनी है, अपनी स्टडी करनी है, आप आ रहे हो, दो चार बात हमसे पूछी, राइट, हम आपको टाइम देते हैं, आप हमारे पास आए, आपने हमें कॉल किया, हमने आपसे बात की, अब उसके बाद आप उसको पॉजिटिव वे में लेते ही नहीं हो, ठीक है, बात हो गई, भूल गए, ठीक है, एग्ज़ाम जब आएगा फॉर्म तब तैयारी करेंगे, तब आप वापस हमें कॉल करेंगे, ठीक है। तो वही स्टूडेंट क्या करते हैं, अक्सर गलती करते हैं। अब जो सीरियस स्टूडेंट है वो हमारी बातों को सुनेगा, हो सकता है वो किसी और से भी बात करे, लेकिन जो है वो फाइनल करके और वो अपनी स्टडी जो वो शुरू कर देता है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि बस कॉल कर रहे, यहाँ पर भी किए, कहीं और पे भी किए, किसी और से गाइडेंस लिया, हर जगह से ले रहे, लेकिन फॉलो नहीं कर रहे। तो फिर क्या होता है कि जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता, फिर आप लास्ट में जब फॉर्म आते हैं तब भीड़ का हिस्सा बनकर आप लोग आते हो। और वास्तव में तैयारी करने वाले स्टूडेंट वो है जो कि अभी से तैयारी कर रहे, कई स्टूडेंट है जो पहले से तैयारी कर रहे। हमारे यहाँ पे क्लास चल रही है जो कि आपकी अगस्त में शुरू हो गई थी, अभी 5 अक्टूबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो अगस्त से भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे, उससे पहले भी स्टूडेंट हमसे गाइडेंस ले रहे थे कि कैसे प्रिपेयर करें, कब बैच आएगा, बैच आने से पहले भी स्टूडेंट को हम लोग गाइड कर रहे थे। अब जो स्टूडेंट सही तरीके से फॉलो कर रहा है उसका काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका है अभी तक। कई ऐसे स्टूडेंट हैं अब जिनका रिवीजन वगैरह चल रहा है। तो देखो, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि भीड़ का हिस्सा मत बनिए आप, ठीक है, थोड़ा सा हट के अपनी पढ़ाई करिए, मींस अभी से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। आप किसका इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, किसका वेट कर रहे हो आप, फॉर्म आने का, फॉर्म आएगा, ठीक है, आप फॉर्म भर दोगे, सीधी सी बात है, लेकिन तैयारी तो आपको पहले ही करनी पड़ेगी ना, बाद में केवल आप भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं, आप हड़बड़ी करेंगे और उसमें अच्छी तैयारी नहीं होती है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि सही टाइम जो है आप सिलेक्ट करिए अपनी स्टडी के लिए, और सही टाइम जो राइट टाइम है वो अभी है, अभी से आप जो अपनी तैयारी जो वो स्टार्ट करिए। यही कारण होता है कि आपको आपकी जो मनपसंद की यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एडमिशन नहीं मिल पाता है, ठीक है। पीछे रीजन क्या है, यही है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो मार्च के महीने में होगा। आप लोग कब आएंगे, आप लोग आएंगे जनवरी में आएंगे कि जनवरी में आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, दिसंबर में फॉर्म आता है, जनवरी तक चलते हैं आपके फॉर्म, जनवरी में आएंगे आप लोग, तो थोड़ा आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, डिले नहीं हो जाएगा, लेट नहीं हो जाएगा। तो अगर आप सीरियसली टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग अभी से जो है अपनी स्टडी को शुरू करिए। हालांकि अगर आप जनवरी फरवरी में भी आते हो तो जो नीचे की यूनिवर्सिटी, अब जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ में आपकी जो कट ऑफ है 5-5, 6-6 बार आपकी कट ऑफ निकलती है, तो वैसी यूनिवर्सिटीज़ में हो जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट जनवरी में स्टार्ट करेगा उसका सिलेक्शन ही नहीं होगा, होगा, लेकिन टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगा वो कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप अभी से जो है अपनी यहाँ पर तैयारी शुरू करिए, तभी जाके आप टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक जो है पहुँच पाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, ठीक है, यही गलती जो है आप लोग कर रहे हो। टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग JNU को टारगेट कर सकते हो। अगर आप POLM पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आप इस साल जैसे आपका पेपर 300 नंबर का होगा तो 280 प्लस का टारगेट, हालांकि टारगेट 300 का ही रखोगे तब जाके आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 250 तक कट ऑफ जाती है, 245 तक कट ऑफ जाती है, 230-30, 235-35 वाले का एडमिशन नहीं हुआ। हालांकि ये चीज़ पेपर पे भी डिपेंड करती है, लेकिन आपको टारगेट तो अभी से डिसाइड करके चलना पड़ेगा ना, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ऐसे कैसे होगा। तो ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। तो आप टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इन सबको काउंट कर सकते हैं, आप JNU को रख सकते हैं, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को यहाँ पर 2 नंबर पर रख सकते हैं, JNU को आप 1 नंबर पर रख सकते हैं, इसके अलावा आप BHU को 3 नंबर पर रख सकते हैं,
ठीक है। इसके अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा जो है आपका पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ऐसा नहीं है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी थोड़ी आपकी अलग साइड में पड़ जाती है। अब कई बार क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट दिल्ली जाना चाहते हैं तो वो JNU को टारगेट करते हैं या फिर DU को टारगेट करते हैं। इसके अलावा आपका जामिया है, लेकिन जामिया के क्या है, कुछ ही कोर्सेस यहाँ पे CUT में है, सारे कोर्सेस है नहीं, इसलिए मैंने जामिया को यहाँ पर ऐड नहीं किया है। अगर आप दिल्ली में एडमिशन लेते हो तो एक और यूनिवर्सिटी है, BBAU यूनिवर्सिटी है, वो भी आप जो है यहाँ पर उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट ये जो यूनिवर्सिटी मैं आपको बता रहा हूँ अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए स्पेशली प्रिपेयर करें, हालांकि सभी सब्जेक्ट के लिए, ह्यूमनिटीज़ के कोर्सेज़ के लिए JNU इज़ द बेस्ट, JNU बेस्ट यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे इसके लिए आप लोग प्रिपेयर करिए। आप CUET के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन अपने माइंड में एक चीज़ आप हमेशा रखो, अगर आपको सीरियसली JNU में जाना है तो आप माइंड में यही रखो कि मैं JNU का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ठीक है। JNU के लिए जो है मुझे एग्ज़ाम देना है और मुझे वहाँ पर एडमिशन लेना है। एक माइंड सेट आप थोड़ा अपना हाई रखो, अपने आप को मोटिवेट करते रहो, समझ रहे हो। तो जो गलती आप लोग करते हो, गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के यहाँ पर दे रहा हूँ। क्योंकि यार हमारे पास देखो हर तरीके के स्टूडेंट आते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जिसने बस फर्स्ट टाइम बात करी और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी, बस उसके बाद उसके इस तरीके के ही सवाल यहाँ पर आते हैं, टॉपिक से लेके, ठीक है, बुक्स को लेके इस तरीके के ही उसके सवाल आते हैं। और कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि बात करते हैं और फिर वापस उनके मैसेज आते हैं, फिर वापस उनके मैसेज आते हैं, लेकिन ऐसे उनके जो है मैसेज नहीं होते जिससे कि हमें ये लगे कि इस स्टूडेंट ने तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो बातों से आपकी तैयारी स्टार्ट नहीं होगी, आपको फाइनली तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऑलरेडी अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आपको पता है इसके अंदर अच्छे खासे फॉर्म जो है वो फिल होते हैं। जब CUET नहीं था लगभग 18-20 हज़ार फॉर्म फिल होते थे, आज के टाइम में इसके फॉर्म डबल हो गए। तो उस हिसाब से आपको नहीं लगता कि कंपटीशन थोड़ा यहाँ पर हाई आपका हो गया है? तो आपको उस अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी अभी से यहाँ पर स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव बस इतना ही था कि आप कुछ टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करके चले और अपनी जो तैयारी है उसको अभी से स्टार्ट करें। फॉर्म आने का इंतज़ार ना करें, फॉर्म आएगा तब हम आपको बताएंगे। 2 मिनट हमें लगेगा, आधा घंटा आपको फॉर्म भरने में लगेगा, 1 घंटे का काम है, जिसके लिए आप लोग जो है अभी से अपने 3 महीने, 2-2.5 महीने जो है बर्बाद कर रहे हो कि फॉर्म आएगा तभी स्टार्ट करेंगे। फॉर्म आ जाएगा और आपको बस भरने का काम रहेगा, वो पूरे 1 घंटे का काम है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता है। तो अभी से अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको हमसे कोई भी हेल्प चाहिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर दिए गए हैं, उस पर आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।